हेलो दोस्तों, अगर आप फाइव एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की सोच रहे हो या फिर आप लोन लेना चाहते हो फाइव एप्लीकेशन से, तो उससे पहले आपको इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देख लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप फाइव एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, और मान लेते अगर आपको लोन मिल जाता है तो उस पैसे को आप बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे, और उसको जैसे आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप फाइव एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एक बार आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरा कंप्लीट और मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप फाइव एप्लीकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वीडियो में बात करें कि फाइव एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो फाइव एप्लीकेशन से, तो यार इस वीडियो को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप फाइव एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाले, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब आपने अपने मोबाइल में फाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर स्क्रॉल कर दिया, तो अगर आप इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करें तो आज के टाइम पर 10 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है, यानी अभी के टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है जो कि फाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो उसको 4.5 की अच्छी खासी रेटिंग संख्या मिली हुई है, 428 के रिव्यू हुए, यानी 428,000 लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ, 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है, तब जाके इसको 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। सो दोस्तों, ये लोन लेने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन प्रोवाइड करा देता है। अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, यहाँ से आपको लोन देखने को मिल जाएगा, भले ही आपको कम अमाउंट का मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपने अपने मोबाइल डाउनलोड कर लिया, अब आपके सामने ओपन का ऑप्शन है इस तरीके से, तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे आप इसको अपने मोबाइल में फर्स्ट टाइम पर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू फाइव एप्लीकेशन। इस तरीके से मैं आपको शुरू से प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अब आपके सामने आएगा वेरीफाई और मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उससे पहले इसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जिस मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है इसको टिक करना है, उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आप अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा वेरीफाई करने के लिए। देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ओटीपी, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आ गया है, देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर ओटीपी आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ओटीपी यहाँ फिल कर देना है, नहीं तो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, मैंने वेरीफाई पर क्लिक कर दिया, अब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है वेरीफाई और ईमेल। अगर आप इसमें पहली बार लॉग इन करोगे तो ईमेल आईडी भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब आपको अपने मोबाइल में से एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना जिससे आप इसमें लॉग इन करना चाहते हो। जैसे कि मैंने एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर दिया, इस तरीके से आप इसमें आईडी को वेरीफाई कर सकते हो। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हैं हाई एम फाइव योर फ्रेंड दिस राइट टू नेक्स्ट अपग्रेड। अब आपको अपग्रेड करना है तो आप यहाँ से अपना अकाउंट सेटअप भी कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता, मैंने कैंसिल पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपका फाइव एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके से इंटरफेस आएगा जब भी आप फाइव एप्लीकेशन लॉग इन हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखो यहाँ से आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर पर मैटर करता है, जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ज्यादा आपको लोन मिल जाएगा। अब आपको दिखाया गया है, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टेंट ऑफर दिखा दिया है कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। यहाँ पर आपको दिखा दिया गेट फाइव लिमिट, यानी आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। उसके बाद आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको लोन दिया जाएगा, यानी लोन आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन, ये ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, अब आपके सामने इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं आपके सामने गॉट इट। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आ जाएगा लेट गेट स्टार्टेड, ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपके लोन की एप्लीकेशन चालू हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, तो मैं यहाँ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, तो उस तरीके से आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से आगे देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपका बर्थडे कब है, वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पर डाली है वो आपको डालनी है। तो आप इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने देखो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पर है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी
अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पैन कार्ड पर डली हुई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। देखिए व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप अगर देखो सैलरीड हो तो आप सैलरीड को सेलेक्ट करोगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर डॉक्टर हो, जो भी हो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक, आप जो भी हो उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आया सेम टू सेम। आप देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोवाइड पैन नंबर, आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर आपके पैन कार्ड पर 10 अक्षर का नंबर डला होता है फ्रंट पेज पर, तो फ्रंट पैन कार्ड की साइड पर, तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर फिल कर देना केवाईसी पर्पस के लिए। तो मैं अब पैन कार्ड का नंबर फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। तो इस तरीके से आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, अब इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो आपको थोड़ा वेट करना है। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं कन्फर्म, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को कन्फर्म करना है। जैसे कि देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगी जो कि आपने डाली है। उसके बाद आपने सेल्फ प्लॉट सेलेक्ट किया तो वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बॉक्स आगे उसको टिक करना है, यानी आपके सारी डिटेल्स सही फिल की है आपने, तो इस बॉक्स को टिक कर दोगे। उसके बाद आपको सेव प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट प्रोफाइल, ये ऑप्शन आ रहा है आपका अकाउंट रेडी हो चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल को सेलेक्ट करोगे, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड को सेलेक्ट करो अपने हिसाब से। मैं सिंगल हूँ तो मैंने आप सिंगल को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने आएगा आपकी जो मंथली इनकम कितनी है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, ये आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डाल देनी है जो भी आपकी सैलरी आपको अपने हिसाब से डाल देनी है। जैसे मेरी सैलरी है 15,000, तो मैंने 15,000 को फिल कर दिया। इस तरीके से आपको डालना है, उसके बाद सही का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। मैंने सही पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बॉक्स आ गया, उसको टिक कर देना है। मैंने टिक करके उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म इनकम पर क्लिक कर देना है। मैंने कन्फर्म कर दिया। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने वर्क की डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि देखो आपको अपनी कंपनी नेम और कंप्लीट एड्रेस और आपकी जो एरिया पिन कोड सिटी आपको सारा आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। जो भी आपकी डिटेल्स हैं सारी आपको डिटेल्स अच्छे तरीके से डाल देनी है। तो मैं अपनी कंपनी का नेम अपना एड्रेस और एरिया पिन कोड वगैरह डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स डाल देनी है, उसके बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक कर दोगे उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आपको क्या करना, फिर से आपको अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको नीचे सेव करेंट वाले एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी सारी डिटेल्स को फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को सारी को फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स को फिल कर देना है, उसके बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे आपकी डिटेल्स कन्फर्म हो जाएंगी, देख सकते हैं इस तरीके से आपके सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा, तो आपको नीचे पे क्लिक करना है ओके गॉट इट। जैसे आप इस पर क्लिक, तो दोस्तों अब सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने पे क्या ऑप्शन आ रहा है, योर एप्लीकेशन कुड नॉट प्रोसीड योर ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइटेरिया। यानी देखो मैंने जिनका यहाँ पर लोन अप्लाई किया है उनका यहाँ पर सिविल स्कोर बहुत ही डाउन है, बहुत ही कम सिविल स्कोर है, उसके आधार पर उन्हें 5 एप्लीकेशन यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। और देखो अगर आपको यहाँ से लोन मिल सकता है 5 एप्लीकेशन तो कितने अमाउंट का मिलेगा यहाँ पर आपको दिखा देगा। अगर आपको 10,000 का मिलेगा तो 10,000 रुपये दिखा देगा, 20,000 रुपये का मिलेगा तो 20,000 दिखा देगा। और अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिल सकता तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि आप इनका इंटरनेशनल क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हो, यानी आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो दोस्तों मैंने इस बार मैंने अपने फ्रेंड का लोन अप्लाई किया तो उसको यहाँ से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका सिविल स्कोर ज़्यादा बेकार था, डाउन सिविल स्कोर था, इसलिए यहाँ पर मेरा लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। सो दोस्तों अगर आपको लोन मिलेगा तो यहाँ पर दिखा देगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपको मिलता है तो आप बैंक अकाउंट ऐड करके अपने लोन को ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं मिलता तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही पूरा प्रोसेस था लोन अप्लाई करने का, जैसा कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में लाइव करके दिखाया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी